मेंडल का थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन किया था, जहां पर उन्होंने वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया। बाद में मेंडल ने ये सोचा कि इनके और अदर कैरेक्टर्स को कैसे आपस में लेके नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्लेन किया जाए, जिससे ज्यादा कैरेक्टर्स हमें समझ में आए। तो उन्होंने क्रॉस कराया सीड ऐसे पी प्लांट को कि सीड्स के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, और ये डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर थे, जिसमें पहला डोमिनेंट कैरेक्टर था येलो और राउंड सीड, जिसको कैपिटल वाई कैपिटल आर से होमोजाइगस के फॉर्म में शो किया। इसी तरह दूसरा इसका जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो था ग्रीन और रिंकल सीड, जो रिसेसिव था होमोजाइगस लिया। ठीक है, होमोजाइग मतलब प्योर ब्रीडिंग थे, एक ही तरह के गैमेट्स बने। जब इन्होंने क्रॉस किया तो ये जैसे गैमेट्स बने, यहाँ पे ये गैमेट बना कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो ये बन गया हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये बन गया हेट्रोजाइगस। अब इसके बाद क्योंकि टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, तो इसके अब इससे जो गैमेट्स बनेंगे तो इससे चार तरह के गैमेट्स बने। ठीक है, इससे जो गैमेट्स बने कौन कौन से गैमेट्स बने इसमें, कैपिटल वाई कैपिटल आर, क्योंकि इसका इससे इसका दोनों से जो होगा इसी तरह कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, दोनों करेक्टर्स जाएंगे तो कैसे कैसे, एक बार ये जो है इससे जुड़ा, फिर यही इससे जुड़ गया। ठीक, दो गैमेट्स बने, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर से जुड़ा और स्मॉल वाई जो है कैपिटल आर से और स्मॉल वाई स्मॉल आर से, तो ये चार तरह के गैमेट्स बने। अब जब और ये कौन सी जनरेशन थी, ये जो हाइब्रिड बना ये थी एफ वन जनरेशन। एफ वन जनरेशन के बाद से चार गैमेट्स बने। अब जब इनको क्रॉस कराया गया तो इसमें मिले टोटल हमें 16 ऑफस्प्रिंग्स, 16 ऑफस्प्रिंग्स आए। तो इसका क्रॉस कैसे होगा ये देखिए, चार चार गैमेट्स बने तो हम इसके चार चार पार्ट करेंगे। ठीक है, मेल गैमेट में कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये गैमेट्स बने। फीमेल में भी यही गैमेट्स बनेंगे, इसको बना लो। ठीक, अब इसके कॉलम थोड़े बड़े बनाना तुम लोग। यहाँ पे देखो अब क्रॉस हुआ, यानी कि ये इससे फ्यूज होगा, ये गैमेट इससे गैमेट से, फिर इस गैमेट से और फिर इस गैमेट से, तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। चलो अपने आप ही बनाते भी चलो। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी तरह कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर अब ये गैमेट भी देखो इससे जुड़ेगा, है ना, क्योंकि ये एक ये गैमेट और एक ये गैमेट फ्यूज होगा, तो इसमें भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट है स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर आया कैपिटल सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आ गया स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक,
अब इसमें देखो टोटल 16 तरह के ये जो है ऑफस्प्रिंग्स बने। अब इसमें हमने आपको चार करेक्टर्स दिए थे, कैपिटल येलो का शो कर रहा था येलो, ठीक है, कैपिटल आर राउंड, स्मॉल आर जो था वो स्मॉल वाई जो था वो ग्रीन, देखो स्मॉल वाई ग्रीन और स्मॉल आर जो है वो रिंकल्ड, ठीक है। तो ये चार करेक्टर है, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस कि अगर किसी में डोमिनेंट करेक्टर शो करने वाला जीन है या तो वो करेक्टर शो हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जितने में भी कैपिटल वाई दिखेगा, जितने में भी कैपिटल वाई चाहे वो सिंगल हो, वो सारे के सारे सीड जो होंगे वो येलो होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो ये हो गया येलो। हम एक एक करेक्टर को पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो इसमें कैपिटल वाई है, ये येलो है, दूसरे में बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये कैसा होगा, इसका सीड येलो की ग्रीन, ये होगा येलो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे भी देखो एक कैपिटल वाई है तो ये भी येलो होगा, ठीक, यहाँ पे भी एक कैपिटल वाई है तो ये भी येलो होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कैपिटल वाई है तो ये भी येलो है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई है ये भी येलो है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई है ये भी येलो है, ठीक, और यहाँ पे भी है, ये कैसा है, ये भी देखो येलो है, ठीक है। हम एक एक करेक्टर को ले रहे हैं, अभी हम उसके कलर को ले रहे हैं, सीट के कलर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे भी येलो है, ये भी एक कैपिटल वाई है ये भी येलो है, यहाँ पे भी एक भी देखो स्मॉल कैपिटल वाई नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सा कलर हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये भी इसका स्मॉल वाई था, स्मॉल वाई दो स्मॉल वाई है तो ये ग्रीन हो गया, और क्योंकि ये रिसेसिव करेक्टर है तो रिसेसिव करेक्टर तभी अपेयर होगा जब वो अपने कंट्रा पेयर के साथ होगा जीन। तो यहाँ पे ये भी, यहाँ पे भी स्मॉल वाई है तो ये भी ग्रीन है। इसी तरह यहाँ पे देखो ये एक येलो आ गया, बड़ा कैपिटल वाई है तो ये येलो हो गया, ये भी येलो हो गया, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे ये देखो दोनों स्मॉल वाई है, यानी कि यहाँ पे कलर ग्रीन हुआ, यहाँ पे भी स्मॉल वाई है इसमें ये ग्रीन हो गया, ठीक है। एक करेक्टर हो गया इसके कलर का, दूसरा करेक्टर इसका कौन सा हम बताएंगे, इसके शेप कि वो रिंकल्ड है कि राउंड है। इसमें देखो जो जहां पे कैपिटल आ रहा है ये करेक्टर शो कर रहा है राउंड, तो इसमें देखो ये क्या हो गया राउंड है ना, ठीक। इसमें एक कैपिटल आ रहा है ये भी राउंड हो गया, इसमें भी कैपिटल आ रहा है ये भी राउंड हो गया, इसमें भी कैपिटल आ रहा है ये भी राउंड हो गया, इसमें भी एक कैपिटल आ रहा है ये भी राउंड हो गया, यहाँ पे देखो दोनों स्मॉल आर हो गए यानी कि ये रिंकल्ड हो गया, ठीक। यहाँ पे कैपिटल आ रहा है यानी कि ये राउंड है, और यहाँ पे ये देखो स्मॉल आर दो हो गए तो ये हो गया रिंकल्ड, यहाँ पे कैपिटल आ रहा है ये राउंड है, यहाँ पे भी कैपिटल आ रहा है राउंड है, यहाँ पे भी कैपिटल आ रहा है राउंड है, और यहाँ पे भी कैपिटल आ रहा है तो ये भी राउंड है, तो अब यहाँ पे देखो क्या ये भी राउंड आ गया, यहाँ पे ये स्मॉल आ रहा है ये रिंकल्ड हो गया, ये राउंड है, ठीक है, और ये भी रिंकल्ड है। इतना समझ में आया सबको। अब इसके बाद, हाँ अब इसमें देखो अगर अब आप रेशियो देखो, सबसे पहले आप कौन सा करेक्टर देख रहे हो, येलो एंड राउंड, ठीक है, ये येलो एंड राउंड, तो यहाँ पे देखो येलो एंड राउंड एक है, येलो राउंड दो, येलो राउंड तीन, येलो राउंड चार, येलो राउंड पांच, येलो राउंड छ, येलो राउंड सात, येलो राउंड आठ और येलो राउंड नौ, और कोई येलो राउंड नहीं है ना। तो पहला करेक्टर हो गया जो पहले सीट दिखेंगे सीट्स वो होंगे येलो राउंड, वो हो गए नाइन, ठीक है, वो हो गए नाइन।
मोबाइल में, ठीक है। अब दूसरा करेक्टर देखो, वो है येलो रिंकेड, येलो रिंकेड। अब देखो ये तो हो ही गया था, ये है येलो रिंकेड। अपने दूसरे कलर के पेंसिल्स को तो मार्क कर लो, ये देखो येलो रिंकेड एक है, येलो रिंकेड दो है, और देखो येलो रिंकेड ये तीन है, हो गए तीन। तो दूसरा हो गया करेक्टर येलो रिंकेड, ये हो गए थ्री। तीसरा करेक्टर कौन सा दिख रहा है, ठीक है, तीसरा करेक्टर ये ग्रीन राउंड, ये देखो ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड। तो नेक्स्ट हो गया ग्रीन राउंड, वो भी कितने दिखे, एक दो और तीन, ये हो गए तीन। और लास्ट जो दिखा वो प्योर हमें दिखा होमोजाइगस ग्रीन रिंकल्ड, नीचे लिख लो ग्रीन रिंकल्ड, ये है एक, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो गया ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। तो इस तरह डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करता है कि भला दो कंट्रास्टिंग करेक्टर हम लेते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट या रिसेसिव, जो डोमिनेंट करेक्टर या रिसेसिव करेक्टर वो अपने आप को इंडिविजुअली भी शो करता है अपने, जैसे रिसेसिव तो तभी शो करेगा जब वो पेयरिंग में होगा, लेकिन डोमिनेंट हर एक अपना करेक्टर को इंडिपेंडेंटली शो करता है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।